तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, उदित शर्मा से आपका स्वागत है। मेरा नाम है राम अवतार। तो आज की वीडियो बहुत ही कमाल की वीडियो फिर, और बिल्कुल हम एक नए ट्रिक के बारे में बात करेंगे। और बता दूं फ्रेंड, एक किस तरह की वीडियो, जैसे कि फ्रेंड अभी हाल ही में मतलब कि SBI ने अपना ऑफिशियल खुद का मतलब कि एक UPI एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो उसी के बारे में हम आज बात करेंगे फ्रेंड। और रियली फ्रेंड मतलब कि ये कमाल की वीडियो है, और आप पूरा पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। और इस वीडियो में बताऊँगा आपको कि इस एप्लीकेशन का मतलब किस तरह से हम यूज करेंगे, और इसको कैसे इंस्टॉल करके और कैसे इसका रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस, कैसे हम अपने मतलब कि बैंक अकाउंट फीस को आपको रजिस्टर करेंगे, पूरा पूरा प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा फ्रेंड। और रियली फ्रेंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, ठीक है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड, आप वीडियो को पूरा पूरा वॉच कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा फ्रेंड। और बहुत ही मतलब कि ध्यानपूर्वक आप देखिएगा ये पूरी पूरी सेटिंग को कैसे कॉन्फ़िगर करना है हमें। तो फ्रेंड वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरा आपसे रिक्वेस्ट है, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी। और वीडियो पसंद लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा, और आपके मन में कोई सुझाव या कोई सवाल कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। तो इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। अभी मैं फ्रेंड आ गया हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन पे, और मैं फ्रेंड अभी आपको तुरंत बताया हूँ कि ये फ्रेंड अभी जस्ट मतलब कि लॉन्च हुआ है, SBI ने अपना ऑफिशियल मतलब कि ये UPI लॉन्च किया है। तो फ्रेंड मैं इसी के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ, और फ्रेंड एकदम रजिस्टर कैसे करना है, कैसे क्या करना है, आपको फ्रेंड पूरा पूरा मैं इस एप्लीकेशन के बारे में आपको बताऊँगा और समझाऊँगा कि कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको चल के दिखाता हूँ अपने मोबाइल के होम स्क्रीन से फ्रेंड। और जैसे कि फ्रेंड मैंने पहले ही इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके रखा है फ्रेंड, तो इसको अगर मान लीजिए आपको डाउनलोड करना है फ्रेंड, तो पहले ही अपना डाटा ऑन कर लेना, उसके बाद से फ्रेंड आपको क्या करना है कि प्ले स्टोर में चले जाना है, ठीक है फ्रेंड। और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या करना फ्रेंड, मैं आपको दिखा देता हूँ आपको क्या टाइप करना है यहाँ पे। तो फ्रेंड आपको यहाँ पे टाइप करना है BHIM SBI Pay, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट नंबर पे यहाँ पे शो हो रहा है फ्रेंड, आपको तो इस पर क्लिक करना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा, तो इसको तो मैंने फ्रेंड पहले ही अपने मोबाइल में डाउनलोड करके रखा है इस एप्लीकेशन को। तो फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ BHIM SBI Pay UPI रिचार्ज बिल पेमेंट्स और फूड, ठीक है फ्रेंड। तो कुछ इस तरह का मतलब कि इसका यूज है फ्रेंड, और इसमें हम देखेंगे कितनी सिक्योर है और क्या है कैसे फ्रेंड, और ये कितना सिक्योर रहेगा इसमें हमारा बैलेंस और क्या होगा। तो फ्रेंड ये किसी भी बैंक का, चाहे आपका केनरा बैंक हो, SBI का हो, इलाहाबाद हो, फिर या फिर पंजाब नेशनल बैंक हो, कोई भी बैंक हो, यहाँ पे आप कॉन्फिगर करके अच्छी खासी से इसका यूज कर सकते हैं। बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है फ्रेंड, और अगर नहीं हुआ तो फ्रेंड इसमें अलग अलग मतलब कि इसमें फीचर भी हैं और अच्छे अच्छे फीचर हैं फ्रेंड। तो सबसे पहले आपको क्या करना फ्रेंड, इसको यहाँ से मैं ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पे फ्रेंड ये भी कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा, जब ये ओपनिंग टाइम पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो अभी देखिए फ्रेंड ये लोडिंग कर रहा है, तो अभी फ्रेंड देख सकते हैं कि ये लोड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना फ्रेंड, नेक्स्ट पे क्लिक करना है, ठीक है फ्रेंड। उसके बाद से फ्रेंड देख ही सकते हैं आप, यहाँ पे कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ, उसके बाद से फ्रेंड यहाँ पे गॉट इट कर देना, ठीक है ठीक है। फिर नेक्स्ट कर देता हूँ मैं फ्रेंड, उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं सिम यहाँ पे आ चुका है, तो यहाँ पे सिम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद नीचे में राइट का जो है फ्रेंड, इस पर क्लिक कर देंगे फ्रेंड हम लोग। उसके बाद देखिए फ्रेंड अभी ये मोबाइल नंबर को वेरीफाई कर रहा है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं फ्रेंड वेरीफाई होने के बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा मोबाइल नंबर जो है फ्रेंड ऑटोमेटिक यहाँ पे मतलब कि ले लिया, ठीक है। उसके बाद फ्रेंड यहाँ पे नाम पूछ रहा है, नाम क्या आपको टाइप करना है। तो फ्रेंड मैं अपना यहाँ पे नाम टाइप कर दे रहा हूँ, कुछ टाइम के लिए मैं फ्रेंड यहाँ पे ब्लर कर दे रहा हूँ अपना जो मोबाइल नंबर है। उसके बाद से फ्रेंड यहाँ पे जस्ट मैं अपना नाम टाइप कर देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो मैं यहाँ पे अपना नाम टाइप कर देता हूँ राम अवतार, ठीक है फ्रेंड। यहाँ पे मैंने अपना नाम टाइप कर दिया है। उसके बाद से फ्रेंड आपको क्या करना है, सही पे क्लिक कर देना है। उसके नीचे आप देख सकते हैं फ्रेंड राइट साइड में एक राइट साइड के मतलब की दिशा में एक एरो का निशान, एक एरो का सिंबल शो हो रहा है। तो इस पर आपको क्या करना है फ्रेंड, इसी पे क्लिक कर देना, ठीक है। तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा फ्रेंड, ठीक। तो आपको क्या करना है फ्रेंड, यहाँ पे बैंक नेम जो होगा, जो भी मतलब कि बैंक का नाम होगा यहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा नहीं मान लीजिए अगर SBI का ऑफिशियल मतलब कि एप्लीकेशन है तो हम खाली SBI का ही अकाउंट यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे फ्रेंड किसी भी बैंक का, HDFC हो या SBI बैंक हो या फिर UCO या एक्सिस, कोई भी बैंक हो, यहाँ पे आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं। तो क्या करना फ्रेंड, यहाँ पे जो भी होगा मैं रजिस्टर कर लेता हूँ। तो मेरा जो है फ्रेंड केनरा बैंक है, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, केनरा बैंक यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है फ्रेंड। जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए मेरा बैंक है केनरा बैंक, यहाँ पे लिखने के बाद फ्रेंड देख सकते हैं मैंने लोड पे क्लिक किया। उसके बाद से फ्रेंड यहाँ पे आपको नीचे में दिख रहा है केनरा बैंक,
तो यहाँ पे मुझे क्लिक कर देना है। तो फ्रेंड कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो आपको क्या करना, फिर नीचे में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन शो हो रहा है राम अवतार करके एक ईमेल आईडी, जो कि अभी तुरंत जो इस एप्लीकेशन द्वारा इसने कॉन्फ़िगर किया है, और मेरा मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे से कोई एक आप सेलेक्ट करके फिर यहाँ पे एरो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है फ्रेंड, तो मैं एरो पे जस्ट क्लिक कर दे रहा हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो। तो यहाँ पे आपको क्या करना है फ्रेंड, जस्ट आपको एक क्रिएट ऐप पिन, यानी कि आप अपने जैसे कि हमने कई बार ऐसा एप्लीकेशन यूज़ किया तो उसके लिए हमें एक 4 अंक का कोई पिन जनरेट करते हैं। तो यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से हमें एक मतलब कि पिन जनरेट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे जस्ट फ्रेंड अभी एक पिन इंटर कर देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद फ्रेंड री इंटर यहाँ पे कर देना है। उसके बाद यहाँ पे फ्रेंड आपको ईमेल आईडी यहाँ पे डाल देना। ठीक है फ्रेंड, तो मैं यहाँ पे एक ईमेल आईडी अपना डाल सकता हूँ, और चाहे फ्रेंड यहाँ पे और करके ऑप्शनल है तो यहाँ पे चाहे तो अपना मोबाइल नंबर डाल सकते हैं। तो मैं अपना मोबाइल नंबर ही यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे फ्रेंड आपको क्या करना है, कोई भी मान लीजिए यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, सिलेक्ट सिक्योरिटी क्वेश्चन इन व्हाट सिटी टाउन डीडीयू मदर, जो भी होगा फ्रेंड यहाँ पे आप मतलब कि सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फ्रेंड मान लीजिए यहाँ पे है, जैसे कि फ्रेंड मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँ व्हाट वाज योर चाइल्डहुड निकनेम। ठीक है, तो मैं जस्ट इसी को मतलब कि अपना सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो जैसे कि चौथे नंबर पे ये, तो इसको सिलेक्ट कर लिया मैंने। उसके बाद से फ्रेंड यहाँ पे जो भी आपका निकनेम जो भी रहा होगा, तो मैं यहाँ पे अपना निकनेम यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। और मैं फ्रेंड यहाँ पे बता दूँ आपको मतलब कि फ्रेंड आपको यहाँ पे 6 डिजिट नंबर कम से कम आपको टाइप करना है। ठीक है, तो फ्रेंड यहाँ पे राइट ऑप्शन पे क्लिक कर देना नीचे में। तो यहाँ पे फ्रेंड अभी देख सकते हैं कि मेरा मतलब कॉन्फ़िगर हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो यहाँ पे फ्रेंड कुछ ही सेकंड इंटरफेस उसके बाद से आपको शो होने लगेगा। तो यहाँ पे फ्रेंड देख सकते हैं लिखा हुआ है इंटर प्रोमो कोड। तो यहाँ पे प्रोमो कोड चाहे तो आप इंटर कर सकते, नहीं तो फ्रेंड मैं क्या करता हूँ इसको स्किप कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो मैंने स्किप वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दिया। उसके बाद अभी देख सकते हैं फ्रेंड ये ओपन हो चुका है। ठीक है फ्रेंड, तो सारा कॉन्फ़िगरेशन और रजिस्ट्रेशन हमने सक्सेसफुली यहाँ पे कर लिया फ्रेंड। तो आप देख सकते हैं तो कुछ है, यही था रजिस्ट्रेशन फ्रेंड। और मैं आपको बता दूं फ्रेंड आपको किस तरह इसका यूज़ करना है। सारा कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद फ्रेंड कुछ ही इस तरह का इंटरफेस होगा। ठीक है, तो आपको क्या करना फ्रेंड, यहाँ पे देख सकते हैं कि रिचार्ज का ऑप्शन है, फूड का, बिल पेमेंट का, और DTH का, बस का, होटल, फ्लाइट, जो भी चाहे यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे बुक भी कर सकते हैं, बस का टिकट हो या फिर बिल पेमेंट कर सकते हैं, रिचार्ज कर सकते हैं। और मान लीजिए कहीं पर बैलेंस आपको ट्रांसफ़र करना है, तो यहाँ पे ऊपर में आप देखेंगे फ्रेंड कि पे का ऑप्शन आपको पहले नंबर पे शो रहा है, यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने शो होगा। तो यहाँ से आप फ्रेंड मतलब कि कहीं पे बैलेंस भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आशा है फ्रेंड आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और मैं